हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपाइज। प्रेपाइज पे आपका स्वागत है। तो आज है 16 सितंबर और आज के टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा अगला सब्जेक्ट होगा, तो लेट मी टेल यू, योर नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी इकोनॉमी। अगला हम करेंगे इकोनॉमी, ठीक है? सो इकोनॉमी पढ़ेंगे अगला। एंड देखिए, इकोनॉमी में जो सोर्सेस वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी थोड़े आगे जाके बताऊंगा। अभी हमारा फोकस रहना चाहिए कि पॉलिटी और गवर्नेंस को पहले तो लक्ष्मीकांत खत्म करना है, उसके बाद मेंस के लिए भी करना है, ठीक है? तो कल जो है 17 सितंबर को मैं मेंस के पिछले क्वेश्चन, जो चीज हमने पढ़ ली है, वो क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा आपसे इसी इनिशिएटिव में, ठीक है? यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम बताया था, प्रीलिम्स के लिए वो क्वेश्चन जो है आपका काम है देखना, ठीक है? और उसके लिए भी अभी हम कुछ सेशन कराएंगे 17 तारीख से, 17 या 18 तारीख से, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो। बाकी आज का टारगेट की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कई लोग बोल रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी करानी है, पॉल साइंस की एनसीईआरटी। देखिए, सर्टेनली वो आप करोगे, वैल्यू ऐड होगा, बट अगेन वो नेसेसरी नहीं है। बट फिर भी आपके लिए जो है, हम क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी सीरीज लाएंगे, तो उसमें क्लास 12th की पॉलिटी एनसीईआरटी पे जो है लेक्चर्स होंगे, ठीक है? चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होगी, लेक्चर्स होंगे जो आप देख सकते हो। उससे चीजें आप निकाल के जो है, जो वैल्यू ऐड लगे वो आप जो है अपने जो नोट्स हैं या लक्ष्मीकांत के अंदर जो है रख सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, कल अब जो है मेन लक्ष्मीकांत, जहां से टारगेट्स आपके होंगे मेन सब्जेक्ट के, हमने जीएसटी तक कर लिया था। आज आपको क्या करना है, आज आपको करना है चैप्टर नंबर 47, 48, 49। पहले तो ये तीनों एक साथ करने हैं, ठीक है? और आप देखोगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, ये एकदम सिमिलर है, ठीक है? दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ना कंपोजिशन, ना पावर्स, ना फंक्शंस में। तो तीनों को एक साथ करना है, ठीक है? और इसमें मेरे हिसाब से आपको अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर लगना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको करना है सीएजी, ठीक है? इसमें आपको लगना चाहिए अराउंड 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स तक लग सकता है इसमें, ठीक है? और उसके बाद आपको ये करना चाहिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। देखो, अटर्नी जनरल कर लोगे तो एडवोकेट जनरल तो कर ही लोगे। और ये अटर्नी जनरल वाला चैप्टर छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, इसमें से मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? तो ये भी करना है अच्छे से। और इन दोनों को मेरे हिसाब से आपको करने में लगने चाहिए अराउंड 45 मिनट्स, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल है। तो देखो, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है? आपको लग रहा होगा इतने सारे चैप्टर्स, पर एक बार आप खोल के देखोगे तो कुछ चैप्टर्स तो दो दो तीन तीन पन्ने के चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो ऑल दिस कुड बी डन, ये सारा किया जा सकता है, आपको बस अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी कैसे पढ़ना है ये तो कल मैं बता ही चुका हूँ कि पढ़ते वक्त किन किन चीजों के फैक्ट्स और जो याद रखने, कहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट रिमूवल या प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस, ये ऐसी चीजें हैं जहां आपको फैक्ट्स रिमेम्बर करने होंगे। बाकी पावर्स या फंक्शंस में मेजर उन पे फोकस करना है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, ठीक है? रोल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पे, ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है, क्योंकि देखो मेंस में यहां से क्वेश्चन आते हैं, पावर्स, पावर्स फंक्शन रोल इंपॉर्टेंस है, ठीक है? या कंपोजिशन उससे भी आ सकते हैं, बट अगेन अगर उससे भी आएगा तो ये चीज आपको रिमेंबर करने वाली है। ये तीन चीजें जो समझने वाली है, ठीक है? अगर रिमेंबर करना है कुछ तो मेजर पावर्स और मेजर फंक्शंस ही रिमेंबर करने। बाकी प्लेलिस्ट आपको पता ही है, 27 और 28 देख सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए, ठीक है? इट विल बी हेल्पफुल टू यू अगर जरूरत पड़े, अगर नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर देख लोगे तो बहुत कम टाइम में जल्दी से कवर हो जाएगा। बाकी सेकेंड टारगेट आपका करंट अफेयर्स का वही रहता है, डीएनए देखना है द हिंदू का, ठीक है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं द हिंदू के, मंथली मैगजीन जून की आपको करनी है, ठीक है? जून का कल एक दिन हो गया, आई एम होपिंग कि 3 दिन में आप जून का इकोनॉमी सेक्शन, अगर एक दिन में 3 आर्टिकल्स भी उठा के करते हो, 3 या 4 आर्टिकल्स, तो कर पाएंगे, ठीक है? लास्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट, नाउ देखिए, नाउ हर कोई जो है अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मुझसे पूछ रहा है कि इसके बारे में गाइडेंस दीजिए। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, सी आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट हाँ मैं आपको बेसिक चीजें बता सकता हूँ कि अगर आपके पास प्लान नहीं, स्ट्रेटजी नहीं, तो क्या करो, उस ऑप्शनल के जो टॉपर हैं उनके वीडियोस देखो, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, 3 4 की देखो कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, या कुछ स्ट्रेटजी वीडियोस देखो उन ऑप्शनल पे, ठीक है? तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना ऑप्शनल कैसे कवर करना है, ठीक है? तो ये चीज कर सकते हो अगर यू आर फेसिंग द चैलेंज कि ऑप्शनल में करें क्या।
बेसिक एक फंडामेंटल चीज जो आपको इसमें भी करनी है कि यू हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो अपने ऑप्शनल के, तो देखो उसमें सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स मेंशनड है, हर टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट मिल जाती है, इसकी बुकलेट होती है, आती है, बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशन से आप सर्च करो, अमेजोन के थ्रू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। लास्टली बेसिक रिमाइंडर्स आपके वही रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखते रहना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है, और जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से रिलेट करते रहना है, ठीक है। और बाकी दूसरे सजेशंस भी सेम है, एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ने की ट्राई करो, एंड प्लीज टेल मी इफ यू आर स्टडिंग 8 आवर्स, प्लीज टेल मी इन कॉमेंट्स, प्लीज कॉमेंट्स में बताइए कि क्या आप 8 आवर्स पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बर्नआउट हो रहा है तो ब्रेक ले लीजिए, छोटा कोशिश करिए जितना छोटा हो सके उतना छोटा ब्रेक रहे, एंड लास्टली डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन कॉमेंट्स, ठीक है। प्लीज ऑनेस्टली अपना प्रोग्रेस जो है कॉमेंट्स में बताइए। और अगेन देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कॉमेंट्स में मेंशन करें कि हमने टारगेट्स अचीव कर लिए और कुछ लोग नहीं कर पाए वो टारगेट्स अचीव, तो वो लोग थोड़ा डीमोटिवेट फील करें, पर देखो आपको यहाँ पे डीमोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कोशिश करो कि हमें कैचअप करना है, अभी आपके पास टाइम है, राइट, आपके पास कितना सारा टाइम है अभी, तो अभी आप एक्स्ट्रा मेहनत करके जो है कैचअप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम एंड में पहुंच गए, तो डीमोटिवेट नहीं होना, आपको बस पता चल गया कि आपको जो है और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। लास्टली कोई भी डाउट क्वेरी है कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, यहाँ पे मेल कर सकते हो, या गूगल डाउट फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिख के भेज सकते हो। इसको सैटरडे या और संडे को जो है नाइट में जो है इस पे जो है एक डिस्कशन सेशन होता है, ठीक है, और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।